तो सबसे पहले हम ये वाले गमले हटाना शुरू करते हैं। ये हमारा नापने का डिवाइस। काफी सालों बाद ना हमारे गार्डन में कुछ इतना बड़ा चेंज आया है। जैसे यार एक हाइट के नहीं होने चाहिए। ये है तो बड़ा सुंदर। और यहाँ ना इनके लिए हमने ना स्टैंड भी बनवा लिए हैं। देखो यहाँ कीड़ा लग गया, बस ये वाला पौधा आ गया। यहाँ हमारी पहली सक्सेस मिल चुकी है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मेघा एंड चिराग। तो आज की वीडियो में ना हम यहाँ अपने टेरेस गार्डन में ना एक बहुत ही बड़ा चेंज करने वाले हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे ये गमले देख रहे हैं ना, इन सभी को हम अभी रीअरेंज करने वाले हैं। तो अभी जो हम रीअरेंजमेंट करने वाले हैं ना, वो वैसे एक हिट एंड ट्राई मेथड है, शायद अच्छा लग जाए। मतलब होपफुली तो अच्छा ही लगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगने वाली है। अभी सारे गमले यहाँ से उठेंगे और दूसरी जगह पे रखे जाएंगे। तो ये गमला चेंज करने का हमारा एक रीज़न ये भी है कि हमारा ना वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हो जाएगा टेरेस गार्डन के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमने अभी एक ही पॉइंट पे सारा वेट रखा हुआ है। हाँ, यही हमारे ये सारे पॉट्स हैं और इसके पीछे हमने अपना वेजिटेबल गार्डन बनाया था। ये कॉलम यहाँ पर है और एक वो कॉलम वहाँ पर है। अब इसके बीच में एक बीम है जिसपे हम इजिली वेट रख सकते हैं और हमारी टेरेस पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये वाले गमले हटाना शुरू करते हैं। स्टैंड हम उठा के उधर से इधर ले आए हैं, बट अब क्या हो रहा है कि दूसरा स्टैंड ना हमारा इसके बीच में जो आएगा वो एग्जैक्ट साइज का नहीं है। ये लंबा है, ये वाला होगा, ये वाला हो सकता है स्नेक प्लांट के नीचे वाला। ये हमारा नापने का डिवाइस, इससे नाप लेते हैं। फित्ता। एक और दो और एक गिट और एक, ये एक दो, थोड़ा सा बड़ा, दो उंगली बड़ा। तो बट उसको थोड़ा सा ऐसे करके हम ऐसे साइड पे कर दें। तो चलिए फाइनली यही डिसाइड हुआ है कि यही वाला स्टैंड हम अब यहाँ पे जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। अब ये स्टैंड ना ऐसे करके आ रहा है, देखो यहाँ तिरछा, तो बहुत बुरा दिख रहा है यार। एक वो वाला भी तो है स्टैंड, बट वो नीवा है शायद, तो इसको नापो। ये वाला मेरे को लग रहा है यार पूरा पूरा ये आ जाएगा। हाँ परफेक्ट, ये वाला स्टैंड आ गया अपना। ये और इसके बराबर का भी है, ये वाला थोड़ा ऊंचा था। तो चलिए हमें हमारी पहली सक्सेस मिल चुकी है, अब वो गमले यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने स्टैंड हटा दिया है और ये है हमारा नया सेक्शन, सबसे न्यूएस्ट सेक्शन तैयार। और मुझे यहाँ ज्यादा सुंदर लग रहा है ये, नहीं चिराग? एक्चुअली बताइए क्या है, जब मतलब एक चीज को आप देख देख के ना बोर हो जाते हो, तो अभी ये नई जगह रखे गए अलग हाँ। तरीके से अब ये प्लांट ना अलग खिले खिले से दिख रहे हैं। और ऐसे गमले रखने का ना एक अच्छी चीज ये भी है, जब वैसे रखे हुए थे उधर की साइड ना, तो वो दोनों तरफ, एक तरफ से गमला का ना लुक ब्लॉक हो जाता है, इधर से आपको दोनों तरफ से ब्लॉक नहीं आएगा, चाहे इधर से देख लो उधर से देख लो। और खिलने के लिए भी, उसे फैलने के लिए भी जगह चाहिए। बट ये वाला प्लांट है ना, इसका मैं नाम भूल गई वैसे, प्लीज आपको किसी को पता है इसका नाम क्या है इस प्लांट का, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ना ये मैं दिखा रही हूँ, ये हम थोड़ा सा केयरलेस हो गए इस चीज में, हमने दवाई ना काफी दिनों से नहीं डाली है, इस पे कोई स्प्रे नहीं किया, इसमें इतने सुंदर सुंदर ये लीव्स आते हैं। और देखो यहाँ कीड़ा लग गया, पूरा खा गया वो। यहाँ देखिये उसे नए नए प्लांट्स आ रहे हैं, ये देखो ये सबसे नया, अभी बहुत सुंदर प्लांट लगता है ये। अभी सर्दियों में थोड़े पत्ते कम हो जाते हैं इसके। तो चलिए अब ये वाले स्टैंड्स भी हटा के अब इनको भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो आपको हमने दिखाया नहीं कि ये वाला सेक्शन जो है ना, हमने वैसे मिट्टी निकाल दी है कहीं पॉट्स की क्या, जो ये हमने ड्रम कटवाए हुए थे इनकी, इवन हमने खाद भी मंगवा ली है, तो ये भी सारा मिक्सचर बनना है। एक रीजन ये भी था हमारा इधर से ये हटाने का, क्योंकि हमारे छत का ढलान इधर को ही है,
तो ये सारा जितनी मिट्टी उधर से बह के आती थी वो यहाँ पे फंस जाती थी और हमने इतने सारे प्लांट्स रख दिए थे तो सफाई भी नहीं हो पाती थी। तो अभी देखिए यहाँ पे हालत वैसे ऐसा था यहाँ ना, तो अभी हम जो करने वाले हैं ना उससे ये एरिया भी हमारा एकदम साफ सुथरा रहेगा। हम ये पूरा जो हमारा वेजिटेबल गार्डन हमने यहाँ बनाया था ना, ये पूरा सेटअप ना हम अपना दूसरी साइड पे करने वाले हैं, वो भी आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो एक पूरा बढ़िया ना रेनोवेशन होने वाली है हमारे टेरेस गार्डन की। और बैंगन हमारे ना ये व्हाइट ब्रिंजल कहते हैं इनको, ये हमने लगाए थे और ना बल्कि इतनी ज्यादा केयर भी नहीं वैसे इनकी की है, बट इतने ज्यादा क्वांटिटी में हमको मिले हैं ना, अभी भी आपको दिखाती हूँ, अभी तक यहाँ इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए जरा यहाँ अभी तक इतने बढ़िया बढ़िया इसमें ना आ रहे हैं ये। और कहाँ देखा था मैंने, दो तीन, हाँ ये देखिए, ये यहाँ, ये तीन चार यहाँ, इस वाले पौधे में भी था, वो देखो एक वहाँ वो कॉर्नर पे। तो अभी हमने ये वाला बड़ा वाला स्टैंड यहाँ पे रख के देखना है, बट यहाँ पे ना ये वाली टंकी है ये एक दिन से तो हिलेगी नहीं, पहले भी हमने चार दिनों से हिली थी। तो वैसे भी इसकी मिट्टी निकालनी है, अभी तो हम सिर्फ स्टैंड रख के देख ले रहे हैं, बाद में जब हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे इसकी मिट्टी निकालने वाले हैं तब आराम से हिली जाएगी। देखते हैं अगर स्टैंड आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ आ ही जाना चाहिए, वैसे इतना लंबा है यार। नहीं आ तो जाएगा बट ये जगह बीच में छुटनी चाहिए ना, हाँ आने जाने के लिए। तो ये स्टैंड तो अपना परफेक्ट फिट आ गया, इतनी जगह बच गई है जाने के लिए भी। इन केस आगे फ्यूचर में टंकी हटेगी भी तो थोड़ा सा उधर खिसका लेंगे। चलो अब गमले रखते हैं, गमले रखने की बात। एक हमारे पास ना ये वाले दो तीन प्लांट्स हैं, अभी तक तो वैसे हमने इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा हुआ था, बट इनके बारे में जो हमने पढ़ा उसमें लिखा है कि डायरेक्ट सनलाइट भी झेल सकते हैं। प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ये डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, मिड डे सन में ये झेल जाएगा। तो और भी वैरायटी है हमारे पास, एक ये वाला है, एक यहाँ पे ये है, एक ये पत्ते हैं। इस वाले का तो हमें पता है कि ये डायरेक्ट में नहीं रखना है, बाहर नहीं रखना है, शेड में ही रहेगा क्योंकि इसके पत्ते झड़ जाते हैं सर्दियों में। इसका और इसका दो का हमें नहीं पता बस। तो अभी फिलहाल के लिए तो हम वही स्टैंड पे रख रहे हैं इसको एकदम डायरेक्ट सनलाइट में। अगर नहीं रखा जाता है ये वाला प्लांट तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यार ग्रेसफुल तो लगते हैं ये प्लांट, ये है तो बड़ा सुंदर है ना। ये अच्छा ये भी है कि इसमें ना कांटे भी नहीं है, ये हमारे यहाँ अगर हाँ, चलेगा तो चलेगा ना बीच में से तो चुभेगा भी। तो ये भी हमने ये सेट किया है, ये थोड़ा ऊंचा पौधा है, फिर ये छोटा, फिर ऊंचा, फिर छोटा, तो ये चीज ना चिराग को अच्छी नहीं लग रही है, मतलब ये मजा नहीं आ रहा। ये तो सारे साथ में होने चाहिए, ये इधर चला के रहे, सारे एक साथ होने चाहिए ये और बाकी सारे छोटे छोटे हाइट वाले इधर। देखो ये कितने सुंदर लगे, बात तो सही है। बस ये कांटे वाला थोड़ा ना हम इस साइड पे रख देते हैं। बस ये वाला पौधा आ गया यहाँ। काफी सालों बाद ना हमारे गार्डन में कुछ इतना बड़ा चेंज आया है और देख के ना काफी अच्छा लग रहा है यार, बोर हो गए थे वो एक चीज ऐसे देखते देखते ना बस। आप प्लीज वैसे कमेंट्स में भी बताइए आपको ये चीज कैसी लगी। इनफैक्ट अभी तो बहुत कुछ बाकी है यहाँ करने के लिए, तो धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे अपने आने वाले व्लॉग्स में। तो अभी फिलहाल जो ये हमने किया है ये कैसा आपको लगा है प्लीज कॉमेंट्स में जरूर बताइए। और बस इसी के साथ हमारा ये दूसरा स्टैंड भी डन। अब ये देखिए टडा। तो हमारा अभी क्या प्लान था कि ये वाले जो बड़े स्टैंड है ना वो पीछे रखने का सीन था, बट अभी क्या है हमारा को ये जो मिट्टी पड़ी हुई है ना एकदम ऊपर में दिखने लग जाएगी। ये तो यहाँ पे देखो ये मिट्टी फैलाई हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि अभी इसे वापस से ऐसी ब्लॉक कर दें, दो तीन दिन बाद हमारे ग्रो बैग्स आ जाएंगे, ये सारी मिट्टी उसमें भर दी जाएगी, तो फिर हम अपना ये सारा सेटअप पीछे पहुंचा देंगे और इस सेटअप को उधर पहुंचा देंगे, ना गंदा लगेगा और ये सुंदर भी लगने लगेगा। और यहाँ ना इनके लिए हमने ना स्टैंड्स भी बनवा लिए हैं जो दो तीन दिन में, आने वाले दो तीन दिन में आ जाएंगे, तभी हम ये अपना जो गार्डन सेक्शन है ये दूसरी साइड हम शिफ्ट कर पाएंगे, अभी तो नहीं कर सकते, तो ये एरिया अभी एज इट इज रहेगा। ये इन वाले प्लांट से ये जो बैक साइड है ये भी ढकी रहे। अब अगले व्लॉग में आपको दिखाया जाएगा कि क्या हम यहाँ और चेंज करने वाले हैं। तो वन ऑफ द रीजन हमने अपना वेजिटेबल गार्डन भी जो डिसमेंटल कराया है ना वो ये है क्योंकि हम अभी तक इन वाले ड्रम्स में सब्जियां उगाने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह के ये तो चलो ग्रो बैग भी नहीं कहेंगे, और इस तरह की क्रेट्स में। तो क्रेट्स में क्या हो रहा था, हमने तीन चार बार ट्राई कर लिया, इनमें सब्जियां नहीं उग पा रही थी। मूली और गाजर तो नहीं उग पाएंगी क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है। धनिया उग जा रहा है ठीक ठाक सा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसके साइड से ना सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी आप डालेंगे ना वो जैसे ही आप पानी डालोगे वो बह जा रहे हैं। ये देखो हमने पन्नी भी लगाने की कोशिश करी बट वो सस्टेनेबल नहीं है, ये ना मतलब टिकाऊ काम नहीं है।
दूसरी चीज क्या हो रही थी, हम ग्रो बैग में शिफ्ट करेंगे तो शायद उसमें और अच्छी सब्जियां उगेंगी। ये भी हमने इतने बड़े बड़े टैंक्स कटवाए, इसमें तो चलो सब्जियां उग गई। इसमें अगर हमने बैंगन लगाए हैं तो बैंगन हमने इससे बहुत खाए हैं, बट जितनी मैंने ग्रोथ ग्रो बैग्स में देखी हैं लोगों की उतनी नहीं आई हैं। तो ये पूरा हटा के इनमें हम राइस हस्क भी भरने वाले हैं, हम वो भी ले आए हैं, और फिर इसे थोड़ा सा लाइट मटेरियल बना के और फिर दोबारा से सब्जियां उगाई जाएंगी। छोटी सी मूली, मूली तो खैर नहीं आनी थी ये तो हमें पहली कमेंट सेक्शन में बता दिया गया था कि डेप्थ नहीं है आपके इसकी क्रेट की, तो मूली नहीं आ पाएंगी। बट चलो जो भी है, इससे हम सीखे, अब हम ग्रो बैग्स में शिफ्ट होंगे तो शायद और अच्छी हम वेजिटेबल उगा पाए। तो ये हमारे देखिए नींबू का पेड़, और कितने सारे इसमें नींबू आ गए हैं। बस थोड़े टाइम में शायद इसके नींबू भी तोड़ने लायक हो जाएंगे, कुछ तो गिरने भी लगे हैं। हाँ मतलब होने लगे हैं, बट अभी भी ना वो है, सख्त है, अभी हुआ नहीं, इनको तोड़ने का टाइम नहीं आया है अभी। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप अपने आइडियाज सजेशंस हमको कमेंट्स में प्लीज देते रहिए, क्योंकि अभी हम बहुत और कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं अपने टेरेस गार्डन पे। तो कोई चीज़ है जो अभी तक हमने इंक्लूड नहीं की थी और आपको पता है उसके बारे में, तो प्लीज़ हमें बताइए। कोई प्रोडक्ट है या कोई और चीज़ है हम कर सकते हैं ट्राई अभी विंटर सीजन में। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।